कभी कभी एक प्रश्न उठता है कि चाहे कोई पीड़ित हो या कोई अभियुक्त हो, उसकी एज निर्धारण कैसे की जाए कि उसकी एज कितनी है। कभी कभी होता है अगर कोई वैलिड डॉक्यूमेंट ना हो या अन्य कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे किसी की एज प्रूफ की जा सके। पॉक्सो एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट किसी अभियुक्त के लिए कि वो 18 वर्ष से कम है, 16 वर्ष से कम है या उसकी उम्र कितनी है। पॉक्सो एक्ट में अगर कोई नाबालिग है, पीड़ित है, तो उसकी एज निर्धारण के लिए प्रश्न यही उठता है कि उसकी एज निर्धारण कैसे की जाए, उम्र कैसे पता लगे कि वो कितने साल के हैं। तो फ्रेंड्स, जो इसके लिए स्वीकार्य डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं, सबसे पहली चीज़, अगर कोई पर्सन जो मान लीजिए पढ़ा लिखा है, अगर उसके पास हाई स्कूल की मार्कशीट है, सबसे पहली चीज़ आप ध्यान रखिए, हाई स्कूल की मार्कशीट है तो सबसे पहला एविडेंस हाई स्कूल की मार्कशीट। आप किसी कंपटीशन वगैरह में भी देख लीजिए, अप्लाई करते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, मतलब आप फॉर्म डालते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ जो आपकी मांगी जाती है वो हाई स्कूल के बेस पर, टेंथ के बेस पर, कि आपके टेंथ में एज क्या थी, क्या लिखा हुआ है टेंथ की मार्कशीट में, वही एज एडमिसिबल है, स्वीकार्य है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट टेंथ की मार्कशीट। अगर मान लीजिए टेंथ की मार्कशीट नहीं है, मान लीजिए पर्सन पढ़ाई लिखा ना हो उतना ज़्यादा, तो उसकी एकेडमिक की अगर कोई मार्कशीट मिलती हो, तो एकेडमिक की मार्कशीट प्लस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से या म्यूनसिपल काउंसिल से, नगर निगम से, नगर पालिका से, नगर पंचायत से, ग्राम पंचायत से, कहीं से भी उसके जन्म का प्रमाण बनवाया जा सकता है, तो वो स्वीकार्य होगा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, काउंसिल से, या आप नगर निगम कह लीजिए, नगर पालिका कह लीजिए, नगर पंचायतें भी हैं ग्रामीण स्तर पर और साथ साथ ग्राम पंचायत, तो यहाँ से आप को जो प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट, वो मान्य है। अगर वो भी नहीं है तो मान लीजिए अगर हॉस्पिटल में आपका जन्म हुआ था तो हॉस्पिटल भी बर्थ सर्टिफिकेट इशू करता है, वो भी मान्य हो जाएगा। लेकिन अब इसमें से सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है, ना आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट है, ना आपके पास म्यूनसिपल काउंसिल का, कॉरपोरेशन का, नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत का किसी का जारी किया हुआ कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, आपके पास हॉस्पिटल का जारी किया हुआ बर्थ सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो क्या होगा। तो अगर मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड हैं, तो वो भी स्वीकार किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस यह है कि आपके माँ बाप की एविडेंस होगी, लेकिन अगर कहीं उसमें भी मैटर डाउटफुल रह गया कि आपके माँ बाप की जो एविडेंस अगर मान लीजिए लिया जा रहा है, तो हो सकता है अगर पीड़ित किसी की लड़की हो या लड़का हो, तो वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एज अपने सुविधा अनुसार छिपाने की कोशिश कर सकता है। तो उस सिचुएशन में कोई अगर विशेष और एज का प्रूफ नहीं है, तो ऐसे पर्सन की मेडिकल जांच कराई जा सकती है, मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होगा और मेडिकल जांच की जाएगी, उसमें जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से भी, और माँ बाप के एविडेंस और जो अदर डॉक्यूमेंट्स अगर प्रोड्यूस किए गए हैं, इन सबको मिला के एक रेशियो बनाया जाएगा कि एज क्या हो सकती है, अनुमानित उम्र क्या हो सकती है। तो ये तो हो गए एज के लिए जो प्रमाण पत्र वैलिड है, कि इन पे ही उम्र निर्धारण हो जाती है। अब इसके लिए कुछ जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के। एक जजमेंट है सुरेश कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो एज निर्धारण के लिए आवश्यक हैं और जिनके आधार पर ही किसी की एज निर्धारित की जा सकती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वर्ष 2019 का, जस्टिस जी वाई चंचूड और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की खंडपीठ ने यह निर्णय दिया था कि हाँ इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो एज के प्रूफ के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल का भी प्रूफ है कि मेडिकल का, अगर मान लीजिए किसी का मेडिकल कराया जाता है, मेडिकल बोर्ड गठित होता है, वो अपनी रिपोर्ट देता है, तो उसमें क्या है, तो सुहानी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2018 का, ये भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो कहीं ना कहीं एक लड़की थी सुहानी नाम की और अपने घर से फरार हो गई थी, और बाद में उसके माता पिता ने मतलब कंप्लेंट की कि हाँ जो कंप्लेंट जो पर्सन लेके गया उसको, तो उसने उसके साथ रेप किया और ज़बरदस्ती लेके चला गया। वो लड़की माइनर थी, शायद उसकी एज 14 साल के आसपास थी। हाई कोर्ट में उसने, जो उसका हस्बैंड था, उसने पिटीशन दायर की, हाई कोर्ट ने पिटीशन खारिज कर दी, रिट उसकी, उसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की,
सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया एम्स के अंडर में, वहाँ से जो रिपोर्ट आई उसकी एक अनुमानित एज आई निकल के कि 19 से 21 साल की एज हो सकती है, मतलब उसको मेजर माना गया कि वो बालिग है। उस आधार पर उस लड़के को जो हस्बैंड था उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिल गया और उसके केसेस भी ख़त्म हो गए, माँ बाप का जो वर्जन था वो सेट असाइड हो गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो जजमेंट था वो भी स्वीकार नहीं किया गया, मतलब वो भी सेट असाइड हो गया। तो ये मेडिकल का एविडेंस था सुहानी वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। लेकिन मेडिकल की सलाह कभी भी ट्रायल का अगर मैटर आता तो सेक्शन 45 ऑफ एविडेंस एक्ट, विशेषज्ञों की राय, तो विशेषज्ञों की जो राय है वो सलाहकारी प्रकृति की होती है, बाध्यकारी प्रकृति की नहीं होती है। इसका भी एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ही, विष्णु वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्ष 2006 का। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन ये है, मतलब जो जजमेंट से ओपिनियन निकल के आती है कि जो भी चिकित्सक या विशेषज्ञों की जो राय होती है वो सलाहकारी प्रकृति की होती है, बाध्यकारी प्रकृति की नहीं होती है। हम जो अन्य तथ्य उनको नकार नहीं सकते हैं कभी, केवल डाउट क्लियर करने के लिए मेडिकल का एविडेंस या विशेषज्ञ की कोई राय ली जा सकती है। लेकिन जो अन्य तथ्य हैं कि मान लीजिए अगर किसी का आधार कार्ड पैन कार्ड है या बर्थ सर्टिफिकेट है, अगर वो भी डाउट फील हो रहा है तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए मेडिकल कराया जा सकता है, लेकिन उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं उस जजमेंट में ये चीज़ है कि विशेषज्ञ की राय सलाहकारी प्रकृति की होती है। तो फ्रेंड्स, जो भी मैंने डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं एज निर्धारण उम्र निर्धारण के लिए यही वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं और यही वैलिड प्रोसेस है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी आपको लास्ट फील्ड से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे और मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है वो ऑथेंटिकेट दी जा रही है, कोई फेक या ऐसा कुछ नहीं है। जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो पूरी तरह से बिल्कुल से वैलिड है, वैलिडेटेड जजमेंट है, आप इनको वैलिडेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को आगे बने रहने के लिए। थैंक यू।